मंदिर का द्वार आखिर 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भीतर के दृश्य कैसे होते हैं, इन सभी की जानकारी लेने के लिए एक बार एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। कई साधु ध्यान में लिप्त होकर अपनी साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वे नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर का द्वार बंद होने के करीबन 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव के शिवलिंग के ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे और लगातार ध्यान में मग्न थे। करीबन 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि साधु जो कि ध्यान में लिप्त थे उनका शरीर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं खाने पीने के कारण साधु कमजोर होते जा रहा है और इसलिए शायद उसका शरीर कम नजर आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नजर आया और फिर करीबन 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो हवा में बैठे हुए हैं। महेश दृश्य देखकर चौंक, उसके समझ के बाहर था कि यह कैसे संभव है कि एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है उनका पैर कैसे गायब हो गया। वह अत्यंत परेशान होने लगा और फिर करीबन 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए। इन दृश्यों को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरे होने वाले और 10 दिनों में फिर एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। तब उस वक्त महेश ने गौर किया कि जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वे अब धीरे धीरे कर गायब हो गए हैं। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारियों के पास गया और उन्हें सभी बातें सच सच बताया। तब पुजारी ने उन्हें महेश को बताया कि ये साधु कोई आम साधु नहीं है, इस धरती पर महादेव के रूप में